लॉकडाउन के बीच दिल्ली में एक परिवार ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी कि उन्हें पहले से तय बेटे की शादी करनी है। दिल्ली पुलिस ने फौरन मदद की। शादी में केवल 6 लोग शामिल हुए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शादी संपन्न हुई। खुशहाल वालिया और पूजा वालिया दोनों ने लॉकडाउन के बीच अपने रिश्ते को लॉक कर लिया, लेकिन इनकी मदद पुलिस नहीं करती तो शायद इनके सपने टूट जाते। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में रहने वाले नरेश वालिया ने अपने एक दोस्त निशिकांत से मदद मांगी और कहा कि उनकी बेटे की पहले से तय शादी 25 अप्रैल की है। वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में घर से कैसे निकलें और शादी कैसे हो। बच्चों की शादी पहले से फिक्स कर रखी थी हमने, इसके कार्ड वगैरह बन गए थे, छप गए थे, कार्ड बट भी गए थे, लड़की पक्ष तो सबको बट गए थे, हमारे पक्ष से कुछ रह रहे थे कार्ड बटने अभी। तो 25 तारीख ये निश्चित की गई थी, 25 अप्रैल। तो उधर से भी जोर था लड़की पक्ष से, कुछ हमारे परिवार का भी आपस में, कि अब एक बार शादी फिक्स कर दी है तो चाहे चुन्नी चढ़ा के आप ले आओ, नॉर्मल तरीके से जो है बच्चे को घर पे ले आओ। निशिकांत ने कालकाजी थाने में तैनात अपने जानकार हेड कांस्टेबल संजीव बोहरा और अनिल को फोन किया। इन दोनों पुलिसकर्मियों ने ये बात थाने के SHO को बताई। फिर क्या था, शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। संजीव और अनिल बाराती बन दो पुलिस जिप्सी लेकर पहुंचे और खुशहाल और उसके माता पिता को ग्रेटर कैलाश आर्य समाज मंदिर में ले आए। पूजा अपने परिवार के साथ यहीं रहती हैं। दोनों की शादी हुई, लॉकडाउन के चलते शादी में कुल 4 लोग शामिल हुए जो खुशहाल और पूजा के माता पिता थे। यूजली जब शादी पे जाते थे, देखते थे, सोचते थे कि ऐसे ही शादी होगी, बैंड बाजा बारात होगा, एक वेन्यू होगा अच्छा सा, प्लानिंग भी ऐसी थी, बट ड्यू टू कोरोना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, तो जो सर्कमस्टांसिस थे उसके अकॉर्डिंग, जो बेस्ट वे निकला उसके अकॉर्डिंग हमने शादी करी। सोचा तो कुछ और ही था, बट स्टिल मतलब जैसा भी हुआ अच्छा ही हुआ, एक यूनिक तरीके से हुई है। तो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, तो अपना हर तरीके से, हर जो आपके इंस्ट्रक्शन से उसको पूरा फॉलो करते हुए हमने जस्ट एक नॉर्मल मैरिज करके ठीक कर दिया। शादी के लिए फूलों की माला नहीं मिली तो दोनों ने ये प्लास्टिक की माला पहनी। शादी के वक्त हेड कांस्टेबल संजीव ने पूजा को चुनरी और नारियल दिया और पूजा और खुशहाल ने बदले में संजय और अनिल को सैनिटाइजर और मास्क गिफ्ट किया। शादी के बाद पुलिस वर वधु को पुलिस जिप्सी में उनके घर तक विदा करके आई। मैंने अनिल कुमार जी से और संजीव बोरा जी से प्रार्थना करी, उन्होंने SHO साहब से इस विषय में बात कर ये सारी व्यवस्था करी। मैं आभारी हूँ आदरणीय श्री अनिल जी का और संजीव बोरा जी का, जिन्होंने भगवान के रूप में हमारे साथ मिलकर यह कार्य किया। मैं जीवन भर इन दोनों मित्रों का आभारी रहूँगा, धन्यवाद। 144 भी लगी हुई है, उसका भी पालन किया गया। लड़का लड़की और उसके पेरेंट्स थे बस साथ में, और कोई नहीं था रिलेटिव, और प्लस हमारे 2 जवान थे। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया वहाँ पे, 6 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस रख के किया गया। और जब वापसी भी उनको छोड़ा गया तो 2 गाड़ियों में छोड़ा गया अलग अलग। पेशे से IT प्रोफेशनल खुशहाल और पूजा जब घर पहुँचे तो उनकी गली, छतों और घरों की बालकनी में खड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगे पुलिस, पीछे पुलिस और बीच में दुल्हन के साथ दूल्हे राजा, ना बारात और ना बैंड बाजा, लॉकडाउन के बीच ये शादी यादगार है। नई दिल्ली से कैमरामैन जेबियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। पाक महीने रमजान की